हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से नंबर्स की इस दुनिया में आपका स्वागत करती हूं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के सारे कॉम्बिनेशंस बताए हैं। आज हम ये वीडियो नंबर 4 वालों के लिए बना रहे हैं। नंबर फोर क्या है? नंबर 4 को राहु प्लेनेट जो है वो रूल करता है। राहु क्या है ये मैं आपको नंबर 4 के वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। ये कहानी अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे नंबर 4 मूलांक के वीडियो में आप सुन सकते हैं। राहु जो है वो कैसा प्लेनेट होता है? राहु के पास सिर्फ सिर है। विष्णु भगवान ने उनका अपने चक्र से सिर काट दिया था तो धड़ अलग हो गया था और सिर अलग हो गया। क्या? क्योंकि वो अमृत पी चुके थे इसलिए एक सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का नाम केतु रखा गया। अब उस समय इतना गुस्सा राहु के मन में भरा हुआ था तो वो गुस्सा आपको नंबर 4 में देखने को मिलेगा। क्रोधी होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, दबंग होते हैं। ये मैं हमेशा कहती हूँ, नंबर 4 वाले दबंग होते हैं, जो चाहते हैं वैसा करते हैं, पर डिसिप्लिन होते हैं, फोकस होते हैं। जो काम करेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन से करेंगे, कभी उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। सिस्टमैटिक होते हैं, चीज़ों को अरेंज करके रखना, प्लानिंग्स करना, उन प्लानिंग्स के हिसाब से चलना और अपना टाइम, अपना वर्क बिल्कुल टाइमली ख़त्म करना। ऐसी क्वालिटीज़ आपको नंबर 4 में देखने को मिलेंगी। थोड़े स्टबर्न होते हैं, यानी कि हठ योगी होते हैं। ग्रोथ इनकी एकदम होगी और एकदम डाउन हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों के बारे में आप लोग जो है ये जान लीजिए कि ये लोग कुछ भी ऐसा कर जाएंगे कि आप लोगों को अचंभित कर देंगे। स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसे लोग अगर अपने पे आ जाएं तो फिर तो कामयाब होने से इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनमें जो जिद है अगर उसको सही रास्ता मिल जाए तो कामयाबी इनके कदम चूमती है। ऐसे कई कामयाब लोग जो हैं वो नंबर 4 से हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आज हम कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर में बात करते हैं, नंबर 4 के साथ नंबर 1 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 4 के साथ नंबर 1 का कॉम्बिनेशन। नंबर 4 कौन होते हैं? नंबर 4 वाले जिनका भी जन्म 4 को, 13 को, 22 को या 31 तारीख को हुआ है वो नंबर 4 वाले होंगे। नंबर 4 मूलांक होगा या नंबर 4 ड्राइवर नंबर होगा या नंबर 4 साइकिक नंबर कहलाएगा वो। लेकिन अगर हम आपकी डेट, मंथ और ईयर ये तीनों चीज़ों को टोटल कर दें तो वो हमें एक जो नंबर, सिंगल डिजिट नंबर जो मिलेगा पूरा टोटल करने के बाद, पूरा प्लस करने के बाद जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो आपका कहलाएगा भाग्यांक, वो आपका कहलाएगा ड्राइवर नंबर या वो आपका कहलाएगा डेस्टिनी नंबर, कुछ लोग लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। तो वो नंबर हमारा कहलाता है मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर या कंडक्टर। कंडक्टर तो ये नंबर्स जो हैं ये हमारे कहलाते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे 4 के साथ नंबर 1 की, यानी कि अगर आपका मूलांक 4 है और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद आपको एक नंबर मिला है, यानी कि आपका भाग्यांक 1 है, तो आप कहलाएंगे 4-1 कॉम्बिनेशन के। तो कैसे होते हैं आप लोग? 4 की क्वालिटीज़ तो आप में आएंगी, वो मैं अभी बता चुकी हूँ। और नंबर वन तो राजा है, नंबर 1 तो सूर्य का नंबर है, राहु को मिला है सूर्य का साथ, इधर से दबंग और इधर से राजा, यानी कि ऐसे लोग तो किसी की सुनेंगे नहीं। जब ये बोलेंगे तो लोग इनको सुनेंगे, ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं होंगे, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे और कामयाबी इनके कदम चूमेगी, क्योंकि ये लीडरशिप की भावना लिए हुए हैं, सिस्टमैटिक हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, कामयाब
नंबर वन और नंबर फोर के कारण ये लोग होंगे, स्ट्रगल आएगी लाइफ में, लेकिन अंत में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ऐसे लोग आपको जो नंबर फोर से हैं वो आपको राजनीति में बहुत मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको अपना करियर चुनना है तो आप लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप लोग बहुत सफल होंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग जो है वो लॉ भी कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, पुलिस और बहुत से ऐसे काम हैं, आर्मी में जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं आपके इस व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। तो ध्यान दीजिए अपना करियर चुनने से पहले इन चीज़ों को कि आपके नंबर्स क्या हैं। जैसे आपके नंबर्स हो, अगर आप उस हिसाब से करियर चुनेंगे तो आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। आप लोगों का नाम किस पे होना चाहिए, यानी कि नेम नंबर आप लोगों को बहुत सोच समझ के रखना है। आप नंबर चार वाले हैं, आपको अपना नाम नंबर वन पे रखें तो सबसे उत्तम होगा। नंबर सिक्स पे भी आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नंबर फाइव पे भी रख सकते हैं। नंबर थ्री भी आपको सूट करेगा, लेकिन प्रेफरेंस आप वन और सिक्स को दीजिए। इसके बाद आपके लकी कलर्स कौन से होंगे? लकी कलर्स आपके लिए वाइट, ऑरेंज, रेड, ये कलर बहुत अच्छे होंगे। लेकिन वाइट कलर और लाइट शेड अगर आप पहनेंगे, रेड मत पहनिए, सूट करता है आपको। आप रेड कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हैं, लेकिन पूरे रेड कपड़े मत पहनिए, क्योंकि वो आप और अग्रेसिव हो जाएंगे। आप जितने लाइट शेड पहनेंगे उतने आप शांत रहेंगे। उसके बाद आपके लकी डेज कौन से हैं? आपके लकी डेज संडे हैं और साथ में मंडे हैं। आप इन दोनों दिन में अगर कोई भी शुभ काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फलित होगा। आपके लकी नंबर्स कौन से हैं? वन आपके लिए बहुत अच्छा है, फोर आपके लिए अच्छा होगा, थ्री आपके लिए अच्छा होगा, टू भी आपको सूट करेगा, सेवन आपको सूट करेगा, सिक्स आपको सूट करेगा। एंटी नंबर आपका एट है, एट फोर वालों के लिए एंटी भी है और सूट भी करता है। ये दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, जहाँ परमानेंट रिलेशन हो आप मोबाइल नंबर मत रखिए, हाउस नंबर आठ पे मत रखिए, फोर पे भी मत रखिए, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग नंबर हैं। ऐसे नंबर्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर है तो चिंता मत कीजिए, इसके साथ कोई और नंबर ऐड करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। आप उपाय कीजिए थोड़े से, उससे भी आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप एक सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि फोर नंबर वालों को सिल्वर का कड़ा जरूर पहनना चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए और कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। ये सब करने से आप लोगों का भाग्य उदय होता है, आप लोगों को के रास्ते में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाइए। चार और एक का एक राजनीतिक ऐसा चेहरा है जो कि आजकल टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आता है। आप लोग शायद उनको जानते होंगे, संबित पात्रा। संबित पात्रा एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राजनीति में अपना करियर बना रहे हैं। वो चार एक के कॉम्बिनेशन के हैं। कभी आप उनको टीवी में बोलते हुए देखिए तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व आपको काफ़ी हद तक चार एक की जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं उससे मैच करता हुआ मिलेगा। आप उनको देखिए और जानिए कि क्या मैं आपको सही बता रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 4-2 के कॉम्बिनेशन में। कैसा होता है 4-2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि जिनका मूलांक चार है और भाग्यांक दो है। कैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति? चार होने के कारण ये दबंग तो होंगे, सिस्टमैटिक होंगे, डिसिप्लिन होंगे, हटी होंगे, जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ग्रोथ भी इनकी ऐसा नहीं है कि इनको एकदम मिल जाए, लेकिन जब मिलेगी तब अच्छी मिलेगी। लॉसेस भी होंगे इनकी लाइफ में, लेकिन कामयाब भी होंगे। तो बड़ी मिलीजुली सी लाइफ होती है ऐसे लोगों की। तो दो नंबर क्या है? दो नंबर तो कला का नंबर है, कल्पना का नंबर है, सौंदर्य का नंबर है, सौम्य नंबर है। अब चार को साथ मिला है दो का, यानी कि आप जिद्दी होने के साथ साथ दूसरों की बात भी सुन लेंगे, यानी कि सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, ऐसा व्यक्तित्व होगा आपका। और
ऐसे लोग जो हैं वो कला के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एक ऐसा नाम जिनको सब जानते होंगे, जूही चावला, मिस इंडिया रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स के लिए भी वो जा चुकी हैं। तो ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना काफ़ी नाम बनाया है, वो 4-2 कॉम्बिनेशन की है। प्यारी सी हैं, सुंदर सी हैं और बहुत सॉफ्ट नेचर है, लेकिन वो जल्दी कामयाब नहीं हुई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद जाकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। तो 4 नंबर के कारण उनको स्ट्रगल करना पड़ा, और ऐसा व्यक्तित्व उनका है जो 4 और 2 के नंबर्स को लेकर चलता है। इसके अलावा 4 और 2 अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 4, 2 और 8 ये एक ही सीरीज के नंबर होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप इनको, 2 वाले हैं आप, तो 4 और 8 आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा, लेकिन अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी शादी आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग नंबर है और आप सॉफ्ट नेचर के लोग हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ जाएं। वैसे आपके लिए ये लकी नंबर्स ही माने जाते हैं। तो अब इन लोगों के प्रोफेशन कौन से इनको चुनने चाहिए? कला का क्षेत्र तो आपके लिए खुला ही हुआ है, आप जो है कला के क्षेत्र में काफ़ी कामयाब होंगे। अगर आप गायन में जाएंगे तो और ज़्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि गायन विद्या 4 नंबर वालों को भी बहुत सूट होती करती है, यानी कि सिंगिंग में अपना करियर आप बना सकते हैं। और आप नेवी में जा सकते हैं, आप लोग टीचिंग कर सकते हैं, आप लोग सेल्स मार्केटिंग में तो कमाल कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर पब्लिक रिलेशन का नंबर है और 4 नंबर सेल्स के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ऐसे प्रोफेशन चुने जो कि सेल्स के हों और पब्लिक रिलेशन के हों, तो आप लोग बहुत कामयाब होंगे, मीडिया भी आपको बहुत सूट करेगा। आपके लकी नंबर्स कौन से हैं? लकी नंबर्स आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। 7 भी आपको सूट करेगा, एंटी नंबर फिर से 8 चला जाता है। कलर्स आप जितने लाइट पहनेंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व और निखरेगा, वाइट कलर पहनेंगे तो आपका व्यक्तित्व और उभर के आएगा। तो इसके अलावा आपके डेज मंडे एंड संडे, ये दोनों आपको बहुत सूट करेंगे। आपको उपाय करने हैं तो वही सिल्वर का कड़ा पहनना है और शिव की पूजा करनी है। शिव की पूजा आप लोग करेंगे तो आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, ऐसा आप करके देखिए। शिव आपको बहुत कामयाबी देंगे, क्योंकि शिव 2 नंबर के लिए उनके देवता हैं, उनके उपासक जिनकी उपासना करनी चाहिए वो शिव हैं 2 नंबर के लिए, और 4 नंबर के भी जिनको उपासना करनी चाहिए वो शिव हैं। तो आप शिव की उपासना कीजिए और अपनी कामयाबी को शिखर पे ले जाइए। अब हम बात करते हैं 4 के साथ 3 नंबर की, यानी कि राहु को साथ मिला है गुरु का, तो राहु जरा गुरु के साथ तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि राहु जो है वो शुक्राचार्य को मानता है, उसके गुरु शुक्राचार्य हैं, और 3 नंबर बृहस्पति का है। 3 नंबर राहु को सूट नहीं करता, वो गुरु की बात नहीं मानता, वो बृहस्पति की बात नहीं मानता, वो चलेगा तो अपने गुरु शुक्राचार्य के लिए। तो ये नंबर ठीक ठीक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि 4 नंबर है तो इंटेलिजेंस का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, सिस्टमैटिक बहुत होंगे, हठ योगी होंगे, स्टबर्न होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, फिर कभी लॉसेस भी आ जाएंगे, और थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और 3 नंबर है तो वो तो गुरु का नंबर है, वो तो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, और गुरु है तो ज्ञान भी बहुत होगा, तो ऐसे लोगों का इंटेलिजेंट होना तो लाजमी है, ये लोग होंगे इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोगों को अगर किसी स्टडी के लाइन में बहुत कामयाब बन सकते हैं ऐसे लोग, यानी कि आप अगर टीचिंग लाइन में जाएं, ऐसे जैसे आप लोग मान लीजिए इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करके एमटेक करके अगर आप उस लाइन में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत कामयाबी मिलेगी, आप प्रोफेसर अच्छे बन सकते हैं।
आप लोग ऑकल्ट साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, और आप लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर और सर्जन तो आप कमाल के बन सकते हैं। तो ऐसी लाइन में आप लोगों को प्रोफेशन अपना चुनना चाहिए। कौन सा सेलिब्रिटी है जो आपके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ शेयर करता है? सबके दिलों को पसंद आने वाले, सब उनको चाहते हैं। कौन है वो जो अभी अभी इस दुनिया से विदा ले चुके हैं? हमारे प्यारे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर छोटी सी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनकी बाल्यकाल की उम्र में भी उन्होंने कुछ एक्टिंग्स की हैं, और बड़े होकर जब उनकी फर्स्ट मूवी आई बॉबी, तो उसने तो मार्केट में धूम मचा दी। ऐसी मूवी रेयर आती है जो ऋषि कपूर की आई, और आप उनको देखेंगे कि वो बिंदास होकर कुछ भी कहते थे, अपनी बात को रखना उनको आता था। आप ट्विटर पे देखिए या आप वैसे टीवी पे देखिए, वो किसी भी विषय पे बहुत बिंदास होकर बोलते थे, उनको कभी किसी का डर नहीं होता था। ये क्वालिटी, ये इंटेलिजेंस, ये बिंदासपन, ये उनको 4 और 3 नंबर से मिला था। वो हर चीज़ को सोच समझ के और बिल्कुल दबंग ढंग से, और उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग था, और सबको अपने क्षेत्र में तो वो कमाल के एक्टर थे और बहुत कामयाब हुए हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ऐसे लोगों को के लकी नंबर्स कौन से होंगे? लकी नंबर्स इनके 1, 4, 4 जो है लकी है, लेकिन आप उस पर अपना नाम नहीं रखेंगे, ये आपको मैं बार बार कहती हूँ। 6 नंबर आपके लिए एंटी भी चला जाएगा, 4 के लिए जो है वो अच्छा होगा, और 3 के लिए एंटी चला जाएगा, तो इसको हम न्यूट्रल में रखते हैं। 7 आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए 2 नंबर भी अच्छा होगा, और 1 तो ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा है। आपके लिए थर्सडे और मंडे, ये 2 दिन बहुत अच्छे होंगे, और आपके लकी कलर्स येलो और वाइट, ये 2 कलर्स आपके लिए बहुत लकी होंगे। बाकी आप लाइट शेड पहनिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आज मैंने आपको 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3 इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। आशा करती हूँ आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी अपने आप को पहचानने में, अपना करियर कैसे बनाएं, अपने नेम की स्पेलिंग किस पर रखें, और अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाएं। नाम आपके लिए बहुत उपयोगी होता है, नाम आपके भाग्य को की ग्रोथ में बहुत बड़ा सहायक होता है, इसलिए नेम नंबर को कभी अवॉइड मत कीजिए। आप अपने घर का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर, अपना कोई भी कार्य करते हैं, वो डेट कौन सी आप चुन रहे हैं, नया काम कब शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर आप अपने लकी नंबर्स पे करेंगे, लकी नंबर्स पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी आज ज़िंदगी है उससे ज़्यादा बेटर ज़िंदगी आप पाएंगे। तो मेरी इन्हीं चीज़ों को सुनकर आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी बन सके, यही मेरा मकसद है, और इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको किसी तरह हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आजकल के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूं। अगले वीडियो में मैं नंबर 4 के साथ नंबर 5 और नंबर 4 के साथ नंबर 6 ये वीडियो के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।